और ये तस्वीरें कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कारगिल युद्ध स्मारक द्रास से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अपने आप में वो उन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने कारगिल विजय की गाथा अपने सर्वोच्च बलिदान के साथ में लिखी थी। हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से वहां पे पुष्प वर्षा की गई। और ये तस्वीरों में जहां पर वो वॉल ऑफ फेम है, जहां पर तमाम उन शहीदों के नाम, उनके रैंक, उनकी उस बटालियन का जिक्र किया गया है जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान कारगिल में दिया था। और ये अपने आप में वो दिखाता है कि उन शहीदों की शहादत को याद करने के लिए इस दीवार पर पीतल के बड़ी पट्टिका पर सभी का नाम अंकित किया गया है और यहाँ पर एक विजय स्तंभ के तौर पर उस प्रतीक को भी बनाया गया है, जो ये दिखाता है कि कैसे भारतीय रणवाकरों ने उस दुर्गम इलाके में दुनिया की सबसे ऊंची लड़ी गई लड़ाई को जीत के दिखाया था। हमारे साथ में खास मेहमान, कारगिल युद्ध में अपनी सहभागिता करने वाले कर्नल गिरीश कुमार मेहदीरत्ता जी लगातार जुड़े हुए हैं। और मेहदीरत्ता जी, एक बार फिर से आपसे समझना चाहेंगे कि 25 साल के बाद देश का सर्वोच्च नेतृत्व जब उन शहीद जवानों को याद करता है, हुआ मौजूद है, तो ये दिखाता है कि 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ में वहां मौजूद हैं और सबका सर झुका हुआ है उन शहीदों के शहादत के आगे। कर्नल मेहदीरत्ता जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सर झुका हुआ है शहादत के आगे। मैंने आपको बता रहा था कि ये जो लड़ाई हुई है, ये हथियार इज इम्पोर्टेंट इन द वॉर, जरूरी है, बट इट इज मैन बिहाइंड द वेपन विच मैटर्स मोस्ट। एंड भारतीय सेना का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो यंग ऑफिसर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने जो अपना रण कौशल दिखाया, उस रण कौशल का कहीं पर भी दुनिया में आपको पैरेलल नहीं मिलेगा। मैंने आपको अभी भी पहले भी कह रहा था कि हमारे जो यंग ऑफिसर्स थे उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की एवरेज उम्र थी, और अगर आप रेशियो देखें जो हमारी कैजुअल्टीज हुई हैं उन रणबांकरों की उस युद्ध के अंदर, करीबन 500 रणबांकरे जवानों ने अपनी शहादत दी थी, और अगर आप रेशियो देखें तो ये रेशियो बनता है 1:16, यानी एक ऑफिसर के पीछे 16 जवानों की शहादत हुई थी। ये दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है, ऐसा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक कहीं नहीं हुआ है कि इतने जवान, इतने ऑफिसर्स अपनी जान की आहुति दे दें। तो ये लीडर्स जो थे, जो यंग लीडर्स थे, ये लड़ाई उन लीडर्स और ये जो हमारे रणबांकुरे जवान थे उनकी मेहनत का फल है। सर आप जो ये बात कर रहे हैं, यहीं पे इस बात को मैं थोड़ा आपसे ही बेहतरी से समझना चाहता हूं, क्योंकि आपने यंग ऑफिसर्स का जिक्र किया और उस वक्त शहादत देने वाले 526 लोगों की, जवानों की जो औसत उम्र, आप 22 साल का जिक्र कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में शहादत होने की बड़ी वजह ऑफिसर्स का जो आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी ये क्योंकि अपनी टुकड़ी का नेतृत्व तो खुद जो अधिकारी होता है वो स्वयं सबसे आगे रह के करता है। ये भी हमारे ऑफिसर्स के करेज को और कैसे लीड करना है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, उस जज्बे को दिखाता है। किस तरीके से उस बात को आप रखेंगे आज सामने? मैं बिल्कुल आपको यही कहना चाह रहा था कि ये जितनी भी लड़ाइयां हुई वहां, जितनी भी लड़ाइयां हुई, चाहे वो बटालिक सेक्टर में हुई, चाहे कारगिल दरास मशको सेक्टर्स में हुई, चाहे वो तोलोलिंग की लड़ाई थी, चाहे वो 5140 की लड़ाई थी, चाहे 4875 की लड़ाई थी, चाहे टाइगर हिल की लड़ाई थी, हर एक लड़ाई में द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट। जब ऑफिसर आपका आगे चलता है तो जवान इज डबली मोटिवेटेड। He says, मेरा ऑफिसर आगे जा रहा है तो उसके अंदर जो जज्बा पैदा होता है, और उस जज्बे की बहुत जरूरत थी उस लड़ाई में। मैं आपको बता रहा था कि ये चोटियां थी जहां पर दुश्मन बैठा हुआ था और हम खुले में नीचे से जा रहे थे, ओपन में वो हमारे ऊपर एम्ड फायर ला रहा था। उसी के बारे में मैं पहले भी बात कर रहा था कि 3 मई से लेकर 13 जून तक हमें सक्सेस इसलिए नहीं मिली थी कि हमारा तोपखाना वहां पूरे तरीके से नहीं पहुंचा था, मगर जब हमारा तोपखाना वहां पहुंचा और दुश्मन का हमने सिर नीचे कर दिया, उसके बाद हमारे रणबांकुरों को रोकने वाला कोई नहीं था। यही मैं कहना चाहता हूं कि दुश्मन के जो 80% कैजुअल्टीज, 80% कैजुअल्टीज कारगिल वॉर में जो हुई हैं, वो आर्टिलरी फायर से हुई हैं, और उसके बाद हमारे लीडर्स और हमारे रणबांकुरों ने जो कार्य कुशलता दिखाई, जो रण कौशल दिखाया, उसकी मेन वजह यही है आज कारगिल की सारी चोटियां जिन पे दुश्मन हमारे ऊपर निफेरियस डिजाइन्स लेके आया था, सब हमारे पास वापस है।
जी सर, आप जो बात कह रहे हैं अपने आप में, जब उसको सुन रहे हैं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि वो दृश्य अनायास ही मन में कौंधने लगता है कि कैसे दुर्गम परिस्थितियों में हमारे रणवाकरों ने इस वीर गाथा को अंजाम दिया, वहां पर उस शहादत के साथ में देश के मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है। कौन से बड़े पड़ाव आप देखते हैं? आपने एक बात का जिक्र किया कि जब तोपखाने की एक तरीके से वहां हमारी मौजूदगी हुई, वहां से पाकिस्तानियों के पैर पीछे होना शुरू हुए, उसके बाद में तोलोलुंग की पहाड़ियां हो या फिर टाइगर हिल पर पुनः कब्जा करना या अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, आपको लगता है कि ये कुछ बड़े ऐसे टर्निंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारे जवानों ने जो कारनामा किया उसने पूरी कहानी पलट के रख दी? कैसे आप याद करते हैं इन तमाम बड़े पड़ाव को? बड़ा पड़ाव मैं कहना चाहूंगा तोलोलुंग की बैटल थी, That laid the foundations. उसने नींव रखी थी हमारी जीत की, और वो नींव तभी रखी गई थी जब हमने एक नया कॉन्सेप्ट आर्टिलरी फायर में लाए थे, 100 guns, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, 100 guns हम एक टारगेट के ऊपर मार रहे थे, ऑलमोस्ट 9,000 rounds वर फायर्ड ऑन द तोलोलुंग फीचर इन अ मैटर ऑफ कपल ऑफ आवर्स, कुछ ही घंटों में 9,000 गोले अगर आप एक टारगेट के ऊपर मारते हैं तब अंदाजा लगा लिए, इट इज समथिंग लाइक अ माइक्रो न्यूक विच हैज बीन फायर्ड। और जो हमने पाकिस्तान सेना के इंटरसेप्ट पकड़े, वो इंटरसेप्ट में यही बोल रहे थे कि हिंदुस्तान की आर्टिलरी ने, हिंदुस्तान के तोपखाने ने हमारे ऊपर कहर ढा दिया है, हमें बचाओ, वो अपने सीनियर्स को ये बता रहे थे। मैं आपको इसमें यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत इस लड़ाई से हुई थी, और उसके बाद इन्फेंट्री और आर्टिलरी का जो समन्वय हुआ था, जो कोऑर्डिनेशन हुआ था, जो मेल जोल हुआ था, वो एक मेन कारण था जिसकी वजह से। गिरीश मणिरत्ना जी, अब आपको विनम्रता से रुकना चाहेंगे, कुछ और तस्वीरें और गौरव गाथाएं हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं इस मौके पर, जो कि लगातार ये याद दिलाता है कि 25 साल का जो ये सफर है किस तरीके से अपने आप में पूरा हुआ, और आज युद्ध स्मारक द्रास में जो कारगिल युद्ध स्मारक है वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री एक तरीके से कारगिल युद्ध स्मारक वहां पे दौरा करते हुए कारगिल युद्ध में शहीद तमाम जवानों की जो तस्वीरें वहां लगी उसकी जानकारी हासिल करते हुए, जिस वक्त ये युद्ध हुआ था उस वक्त की वास्तविक तस्वीरों को भी संग्रहालय में रखा गया है, कौन से साजो सामान इस्तेमाल किए थे भारतीय सैनिकों ने उसका भी संग्रहित किया गया है, तो पाकिस्तान के कब्जे से बरामद किए गए गोला बारूद और तमाम अन्य प्रकार के सामान को भी इस संग्रहालय में संरक्षित किया गया है, भारतीय शौर्य की गाथाएं भी यहां पे लिखी गई हैं, किस तरीके से जो वीर शहीद सैनिक हैं उनकी कहानियां थी, कैसे उन्होंने इस युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया उसका जिक्र भी इस संग्रहालय में साफ तौर से रखा गया है, किन किन रेजिमेंट्स के तमाम जवानों ने जो अपना योगदान दिया है, जिन हथियारों से इस लड़ाई को लड़ा, लेकिन जो जज्बे की कहानियां हैं वो भी यहाँ पर कविताओं के तरीके से उकेरी गई हैं उनके याद उनको करने के लिए, और ये अपने आप में दिखाता है कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को देश भूला नहीं है, आज भी उनके इस योगदान के लिए 140 करोड़ भारतीय सम्मान के साथ अपना सर झुकाते हैं, ऐसे तमाम योद्धाओं ने जिन्होंने भारतीय मान सम्मान, तिरंगे के मान सम्मान के लिए जो काम किया, अपना जो सर्वोच्च बलिदान दिया, उसका नमन करने के लिए प्रधानमंत्री का पहुंचना, ये दिखाता है कि पूरा देश उन शहीदों की शहादत के आगे खड़ा हुआ, और ये तमाम प्रकार के वहाँ पे डायग्राम्स भी बनाए गए हैं जिसमें वो भौगोलिक परिस्थितियों को दर्शाया गया है कि कैसे नीचे की जगह से ऊपर तक के वहां तक पहुंचे, हट ऑफ रिमेम्बरेंस है जहां पर, और यहाँ पे अमर संस्मरण जो एक तरीके से यहाँ संग्रहित किए गए हैं हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस के तौर पर, इस युद्ध स्मारक का वो हिस्सा जाना जाता है जहाँ पर तमाम चीज़ों को सहेजा गया है, और यहाँ पर वो भी साजो सामान रखा गया है जो पाकिस्तानियों के कब्जे से बरामद किया गया था, और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस अपने आप में उन शहीदों की तमाम यादों का जिक्र भी करता है, और तमाम ऐसे पत्र भी जो उन वीर जवानों ने अपने परिजनों को लिखे थे जिसमें देशभक्त की भावना से ओतप्रोत वो शब्द, वो भावनाएं कहीं ना कहीं झलकती हैं, उन सबको संग्रहित करने का काम भी किया गया है, तो सिर्फ इतना ही नहीं कि उन शहीदों को हम याद करते हैं बल्कि उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनकी शौर्य गाथाओं से जुड़ी हुई तमाम बातों को इस
रिमेम्बरेंस स्थल पे यहाँ पे रखा गया है और उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानकारी हासिल करते हुए और विभिन्न जो बटालियंस हैं उनके जो अफसर्स थे, उनके जो जवान थे जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, उनकी तस्वीरें भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनके नामों को भी अंकित किया गया है। और ये अपने आप में वो उस वक्त की युद्ध के समय की वास्तविक तस्वीरें भी हैं जो यहाँ संग्रहित की गई हैं। तमाम वो युद्ध लड़े जाने वाले साजो सामान भी लिखे हुए हैं और शौर्य गाथाओं को भी यहाँ उकेरा गया है और जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री हासिल करते हुए। और ये तमाम वो जगह जो भौगोलिक विषमताओं को दर्शाती हैं कि कैसे नीचे रहते हुए भी हजारों हजार फिट की ऊंचाई पे बैठा हुआ ऊपर दुश्मन जो सीधे टारगेट करने में सक्षम था, बावजूद उसके हौसले को पस्त करते हुए हमने उसको हराकर अपनी विजय गाथा को लिखा है। तो ये तस्वीरें आप लगातार प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई देख रहे हैं और ये ग्रुप फोटो है जिसमें तमाम वो परिजन मौजूद हैं जिनके परिजनों ने शहादत दी है। उस वक्त के जो तमाम जो शहादत देने वाले लोग हैं उनके परिजन भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तमाम सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं और ये दिखाता है कि परिजनों के साथ पूरा देश आज खड़ा हुआ है और तिरंगे की तले ये सबकी मौजूदगी दिखाता है कि ये भारत माता की जय और भारत के इस तिरंगे और मान सम्मान के लिए पीछे दिख रही इन चोटियों, भले ही ये जमीन का एक टुकड़ा मात्र कहा जाए लेकिन वो एक टुकड़ा नहीं, हमारे मान सम्मान का प्रतीक है जिसकी एक एक इंच जमीन को हमने अपनी शौर्य की गाथाओं से अपने लहू को बहाकर हासिल किया और दिखाया दुनिया को और दिखाया पाकिस्तान को कि आपकी एक भी नापाक हरकत को हम नेस्तनाबूद कर देंगे। और ये उस अमर गाथा, उस विजय पथ की कहानी है जो हमारे देश के रणवाकुरों ने, सेनाओं ने मिलकर लिखी है आज से 25 साल पहले कारगिल के युद्ध में। और आज 25 साल का ये पड़ाव हमें उन शहीदों की, उन तमाम युद्धकर्मियों के योगदान को याद दिलाता है जिन्होंने अदम्य शौर्य और पराक्रम को दिखाते हुए आज के इस दिन तक पहुंचने का हम देशवासियों को मौका दिया है। 26 जुलाई 1999 वो दिन जब उस वक्त प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युद्ध जीतने की घोषणा की थी और ये कहा था कि अब ये ऑपरेशन विजय पूरा हुआ है और देश ने इस युद्ध को जीत लिया है। तमाम ऐसे मौके आए जब हमारी तमाम रणनीतियां उतनी कारगर साबित होती नजर नहीं आई, लेकिन हर बदलते दिन के साथ हमने अपनी रणनीति को बदला, कैसे इन्फेंट्री ने अपनी लड़ाई लड़ी, कैसे वायुसेना ने अपने मोर्चेबंदी की और उसके बाद जाके पाकिस्तान की इस घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह नाकाम किया गया। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अमेरिका दौड़कर गए थे किसी तरीके से हमको और हमारे देश को बचा लीजिए, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस बात का प्रण लिया था कि हम अपनी एक एक इंच जमीन वापस लेने तक रुकने वाले नहीं हैं। और ये संदेश साफ तौर से दुनिया को दिया गया था और उस वक्त हिंदुस्तान को इस लड़ाई में कई प्रकार से कुछ देशों की जो मदद भी मिली, जिसमें इजराइल का नाम बेहतरी से आता है कि युद्ध सामग्री की एक मौजूदगी होना भी बहुत मायने रखता है। लेकिन साजो सामान ही नहीं, युद्ध के गोली बारूद और गोला ही नहीं, बल्कि जो जज्बे की कहानी, जिस जज्बे से इस युद्ध को भारतीय रणवाकरों ने, नौजवानों ने, जवानों ने उस वक्त लड़ा, ये उसकी कहानी है। और शायद इसीलिए कारगिल युद्ध स्मारक में एक विजय पथ का निर्माण भी किया गया है जिसके दोनों ओर तमाम शहीदों के बारे में जानकारी लिखी गई और उस विजय पथ को विजय पथ नाम ही इसलिए दिया गया है कि इस पथ के माध्यम से आप जब वहां से गुजरेंगे तो तमाम उन शहीदों के नाम स्मारक और उनकी गाथाओं को वहां उकेरने से, पढ़ने के आप जान पाएंगे कि कैसे इस माध्यम से, इस शौर्य गाथा के तरीके से इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, तब जाकर आज ये तिरंगा यहाँ पर अपनी पूरे आन बान के साथ लहराता नजर आ रहा है। ये ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री की मौजूदगी कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में और ये वीर भूमि में प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अपने आप में पूरे देश की ओर से ये प्रधानमंत्री का सर झुकना ये दिखाता है उन शहीदों के सम्मान में कि पूरा देश आज उनके सम्मान में अपना सर झुकाकर खड़ा हुआ है, नतमस्तक है, क्योंकि देश के लिए जब उन्होंने कुर्बानी दी तब जाकर आज देश तरक्की के इस रास्ते पे आगे बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे वो आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में हम जो भी ऊंचाइयां हासिल कर रहे हैं, आज वैश्विक पटल पर भारत को जो भी मान सम्मान मिल रहा है उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो योगदान देश की सेना, वायुसेना, नौसेना देती है वो अपने आप में अतुलनीय है। खुला सुरंग प्रथम विस्फोट कार्यक्रम के ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि श्रृंखला सुरंग
कि निर्माण कार्य का शुभ आरंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पहले विस्फोट से किया जाएगा। सर्वप्रथम आपके सामने प्रस्तुत है श्रृंखला सुरंग की रणनीतिक और आर्थिक महत्व के ऊपर तैयार किया गया एक चलचित्र।